लो भाई, क्या खिला रही है? ये देखो अकेले अकेले खा रही है। हेलो, हाउ आर यू? और कुछ काटने पड़ते हैं मुझे बहुत सारे सीन, तो ऐसे ऐसे करती है, मेरा एडिटिंग का काम बहुत बढ़ा देती है। देखो हम कहाँ बैठे हैं, भैया देखो ना, ये हमारे चाय वाले भैया हैं। हाँ, और ये यूपी कॉलेज से थोड़ा सा अंदर आप आएंगे ना, तो ये हमारे चाय वाले भैया हैं। और आप कभी भी बनारस आना तो यूपी कॉलेज के अंदर आना, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, एकदम क्या लाजवाब चाय बनाते हैं। यही पिलाने ले जाएंगे चाय? पिला दूंगी भाई, आ जाना पिला दूंगी। चाय है इसके, देख लो यार, है। देखो मेरे पास भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, और काफ़ी लेट मैं ये सब आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने चीज़ ऐड कर दी थी, क्लिप जो वीडियो मैंने बनाई थी, वो हम ये इवनिंग की थी। इवनिंग में मैं और पूजा, आप जानते ही हैं, हम लोग अक्सर साथ होते हैं, हम लोग कुछ काम भी करते हैं, तो धीरे धीरे आपके साथ मैं वो शेयर भी करती रहूँगी। तो मार्केट में थे, वहाँ पे हम लोग फिक्स एक जगह है, हमारे चाय वाले भैया, और वह हम उन्हें रियल में भैया बोलते हैं और वो हमें अपनी दीदी ही मानते हैं। वहाँ चाय पी रहे थे, फिर उसके बाद में ये आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि कुछ सामान मुझे मार्केट से लाना है, तो वेइंग मशीन का सेल ख़त्म हो गया था, वो लेके आई थी। और क्योंकि अब सीज़न ख़त्म हो गया है, विंटर लगभग ख़त्म ही हो गई है, इतनी ठंड नहीं है कि अब हीटर वगैरह चलाने की ज़रूरत पड़े, तो ये सब साफ़ करके इसको वापस से बॉक्स में पैक करके स्टोर में रख दूँगी, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, और उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होके पेस्ट करके थोड़ी सी देर भजन सुन रही हूँ। सुबह में मेरा यही काम होता है, क्योंकि मैं फिर इसके बाद वॉक करने चली जाती हूँ। आज क्योंकि मेरी जल्दी आँख खुल गई थी, तो मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह पहले नहीं कर पाई थी, तो मैंने इस समय कर ली थी। और यहाँ गैलरी में आपको दिखाती हूँ, हमारी बिल्डिंग में शादी थी, तो अभी तक जो लाइटिंग उन्होंने लगवाई थी अभी तक लगी हुई है, और सुबह तक ये जल रही होती तो बहुत अच्छी लगती है इस समय। और पास में ही एक मंदिर है, तो इस समय वहाँ पे हनुमान चालीसा या शिव जी की आरती वगैरह ये सब सुबह में सुनाई देती है। और आज ये सब काम करने के बाद शाम को मुझे पूजा के साथ जाना था, तो हम लोग गए थे कि एक और नया स्टेडियम है, जिसकी मैं किसी और दिन फुर्सत में आपको ये पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। अरे पूजा गिर जाऊंगी मैं, मत बोलो। क्या बात हुई लास्ट में सर से? सर फोन कट गया मेरा, अभी दोबारा शायद आएगा। कुछ शायद ऐसा कुछ खास बात नहीं, वो बोले मैडम को ले आइए, ठीक है मैडम काम करेंगी, काफी टैलेंटेड भी हैं ये वो ऐसे वैसे। फिर बोला सर कल के लिए, तो बोले हाँ। आज हम लोग आए थे एक शॉप की इनॉग्रेशन पे, इसके बाद फिर हम स्टेडियम में गए थे। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं दोस्ती को बहुत मानती हूँ, और पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसी फ्रेंड जीवन में हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होता है, मैं उसके बिना और वो मेरे बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो आप लोग हमेशा हमारे लिए प्रेयर करिए कि हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनी रहे।